मूवी रीमेक हो या फ्रेश, लेकिन हीरो की एक्टिंग बेस्ट होनी चाहिए। रीमेक बोलने से ना ही मूवी फ्लॉप होती है और ना ही मूवी ब्लॉकबस्टर। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज रिलीज होने वाले शहजादा मूवी के बारे में, जहां मूवी में हमें देखने को मिले हैं कृति शैनन और कार्तिक आर्यन। मूवी की शुरुआत में यही दिखाया जाता है जिसमें कि दो बच्चे जन्म लेते हैं, जिसमें से कि एक बेटा रहता है बड़े बाप का औलाद और वहीं एक बेटा रहता है छोटे परिवार से। लेकिन पिता के लालच ने उसने अपने बेटे को बदल दिया ताकि वे एक अच्छी लाइफ जी सके। कहीं कहीं ये मूवी याद दिलाती है 90s के टाइम की मूवी की, जिसमें कि हमें पूरा परिवार देखने को मिलता था। कुछ ऐसा ही हमें इसमें भी नजर आने वाला है, जिसमें कि एक आलीशान बंगला और वहीं रहने वाले कुछ लोग जो कि उसका भला चाहते हैं और दूसरी ओर वही विलन होते हैं। पर हम सभी को पता है कि शहजादा मूवी जो कि रीमेक है अल्लू अर्जुन की आई हुई फिल्म अला वैकुंठा पुरुमुल्लू की, जिसमें कि हमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े देखने को मिले थे। लेकिन अब बात करें वहीं कार्तिक आर्यन के एक्टिंग के बारे में, जो कि हालांकि ये मूवी रीमेक है जिसकी वजह से कार्तिक आर्यन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर रहा होगा ताकि वे अल्लू अर्जुन से बेटर कर सके, ताकि बाद में इनको ये ना सुनना पड़े कि मूवी एज टू एज कॉपी है। कार्तिक ने बहुत सफाई से अपने आप को बचा लिया है, जो कि बैलेंस कर रहे हैं दोनों को, जिससे कि फैंस या ऑडियंस ये नहीं बोल सकता है कि कहीं ना कहीं कार्तिक अल्लू अर्जुन का कॉपी कर रहे हैं। उसी तरह जैसे इन्होंने भूल भुलैया 2 में अक्षय को बैलेंस कर लिया था, वहीं बॉस और एम्प्लॉयज के बीच रोमांस भी देखने को मिलेगा, जैसा कि कृति सैनन कार्तिक आर्यन की बॉस रहती हैं और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब कार्तिक आर्यन को ये पता चलता है कि मैं हूँ इस महल का असली वारिस, जिसमें कि थोड़ी कॉमेडी देखने को मिलने वाली है राजपाल यादव के द्वारा। वहीं परेश रावल भी अपनी एक्टिंग बखूबी निभा रहे हैं। मूवी के गाने एक से बढ़कर एक है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से डाले गए हैं, जो कि बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। वहीं कृति काफी ज्यादा हॉट और ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। हालांकि मूवी रीमेक है, लेकिन फिर भी मूवी इंटरेस्टिंग है, जो कि अलग अलग एक्टर इसमें कास्ट किए गए हैं, जो कि एक से बढ़कर एक है। तो सबकी एक्टिंग जब हमें एक साथ देखने को मिलती है तो काफी ज्यादा मजेदार लगता है। हालांकि मैं इस मूवी को देखने के बाद रेटिंग देना चाहूंगी 5 में से 3.5 स्टार। आपने भी अगर ये मूवी देख लिया है तो आप सभी को ये मूवी कैसा लगा हमें अपना रिएक्शन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिनेमा विद रीति।